हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक डाउट पे डिस्कस करना चाह रहे थे आप लोगों से। जो डिप्लोमा के बाद हमें क्या चूज़ करना चाहिए, लाइक हायर स्टडी चूज करना चाहिए या हमें जॉब प्रिपरेशन करना चाहिए? ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन करते हैं कंप्लीट वे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से हायर स्टडीज़ के बारे में, तो हायर स्टडीज़ चूज़ करने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ऑब्ज़र्व करना होगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट करती है, आप हायर स्टडी कर सकते हो एंड आपको मन है हायर स्टडीज़ करने का, देन आपको ज़रूर करना चाहिए हायर स्टडीज़। ठीक है, हायर स्टडीज़ में आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं। एक वो कोर्स जो बच्चे रेगुलरली नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, डे कोर्स बोला जाता है उसको। उसमें आपका 3 साल का क्लासरूम प्रोग्राम होगा और आप उस कोर्स को करेंगे। एक इवनिंग कोर्स होता है जो कॉलेजेस में 4 साल का होता है। वो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जॉब के साथ साथ कोर्स करना चाहते हैं बीटेक का रेगुलर में। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन है आपको एमआई का, जो कोर्ट में केस फेस कर रहा है। अगर एमआई की बात करूं तो एक नॉर्मल प्रोसेस है सेक्शन ए और सेक्शन बी का। अगर आप सेक्शन ए क्रैक कर लेते हो, उसके बाद सेक्शन बी क्रैक कर लेते हो, देन आप जस्ट लाइक बीटेक एलिजिबिलिटी गेन कर लेते हो। बट 2013 से इस पर कोर्ट केस चल रहा है इसकी वैलिडिटी को लेकर के। ये अगर ये डिसाइड होता है ये कोर्स अब इनवैलिड है, देन ये कोर्स बंद हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए जॉब की, तो जॉब अपॉर्चुनिटी दो तरीके से, एक प्राइवेट सेक्टर का जॉब, एक गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब। ठीक है, जो बच्चे इमीडिएट जॉब करना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज़ कंडक्ट होती हैं, उनके थ्रू कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट होता है, उनके थ्रू जो भी जॉब उन्हें ऑफर होता है वो इमीडिएटली वहाँ पे गेन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर वो चाहें, अगर उनका बेसिक अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे डेडिकेटेड हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो उन बच्चों को कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स और कुछ हार्डवर्क की नीड होगी। उसके लिए वो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन मीडियम का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी कोचिंग या टीचर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। देन वो डिफरेंट टाइप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करके उसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने ड्रीम जॉब के प्रति जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे कैरियर्स में से आपके लिए बेस्ट चूज़ करने का जो तरीका होगा, आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, अपनी मेरिट को देखते हुए, उसके बाद अपना इंटरेस्ट को देखते हुए ही डिसीजन करें। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में अगर वैकेंसीज आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे या इरेगुलर बेसिस पे, आप प्रिपरेशन करोगे तो जरूर ही क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और आप बीटेक के बाद जेई एज वेल एज एई दोनों की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी रखते हो, देन आप बोथ की तैयारी कर सकते हो आफ्टर बीटेक। तो जिन बच्चों का ड्रीम जॉब कुछ और है, एई का है या गेट के थ्रू है, तो उन्हें बीटेक करना मस्ट है। वो पहले बीटेक करें,
देन अपनी एलिजिबिलिटी को उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करें, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस होता है अपने करियर को चूज करने का। आई होप आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी, और इसी तरह के गाइडेंस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।